अमसाल और उसका 29वां बाब जो 27 आयात पर मुश्तमिल है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहां बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। जब सादिक इकबालमंद होते हैं तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब शरीर इक्तदार पाते हैं तो लोग आहें भरते हैं। जो कोई हिकमत से उल्फत रखता है अपने बाप को खुश करता है, लेकिन जो कस्बियों से सोहबत रखता है अपना माल उड़ाता है। बादशाह अदल से अपनी मुमलिकत को क़याम बख्शता है, लेकिन रिश्वत सितान उसको वीरान करता है। जो अपने हमसाये की खुशामद करता है उसके पाँव के लिए जाल बिछाता है, बद किरदार के गुनाह में फंदा है, लेकिन सादिक गाता और खुशी करता है। सादिक मिस्कीनों के मामले का ख्याल रखता है, लेकिन शरीर में उसको जानने की लियाकत नहीं। ठट्ठाबाज शहर में आग लगाते हैं, लेकिन दाना कहर को दूर कर देते हैं। अगर दाना अहमक से मुबाहसा करे तो खा वो कहर करे खा हंसे, कुछ इत्मीनान न होगा। खूनरेज लोग कामिल आदमी से कीना रखते हैं, लेकिन रास्तकार उसकी जान बचाने का कसद करते हैं। अहमक अपना कहर उगल देता है, लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है। अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है तो उसके सब खादिम शरीर हो जाते हैं। मिस्कीन और ज़बरदस्त एक दूसरे से मिलते हैं, और खुदावंद दोनों की आंखें रोशन करता है। जो बादशाह दयानतदारी से मिस्कीनों की अदालत करता है उसका तख्त हमेशा कायम रहता है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती हैं, लेकिन जो लड़का बेतरतीब छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करेगा। जब शरीर इकबालमंद होते हैं तो बदी ज़्यादा होती है, लेकिन सादिक उनकी तबाही देखेंगे। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। नौकर बातों ही से नहीं सुधरता, क्योंकि अगरचे वो समझता है तो भी परवाह नहीं करता। क्या तू बेतामुल बोलने वाले को देखता है? उसके मुकाबले में अहमक से ज़्यादा उम्मीद है। जो अपने खानाजाद को लड़कपन से नाज में पालता है वो आखिरकार उसका बेटा बन बैठेगा। कहर आलूदा आदमी फितना बरपा करता है और गज़बनाक गुनाह में ज़्यादती करता है। आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। जो कोई चोर का शरीक होता है अपनी जान से दुश्मनी रखता है, वो हलफ उठाता है और हाल बयान नहीं करता। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करता है महफूज रहेगा। हाकिम की मेहरबानी के तालिब बहुत हैं, लेकिन इंसान का फैसला खुदावंद की तरफ से है। सादिक को बे इंसाफ से नफरत है और शरीर को रास्त रो से है।